हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग। तो आज अपन पढ़ रहे हैं डिजाइन ऑफ बीम के बाद अपन पढ़ते हैं डिजाइन ऑफ आरसीसी कॉलम्स। देखो, जब मैं आरसीसी के कॉलम्स डिजाइन करता हूं तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि कॉलम्स क्या है। पहला पॉइंट या पहली बात मेरे दिमाग में आनी चाहिए कि व्हाट इज द कॉलम। अब पहली बात तो मुझे ये पता है कि जनरली मैंने ये पढ़ा हुआ है कि भाई कॉलम एक कंप्रेसिव मेंबर्स होता है, मतलब कंप्रेसिव लोड को वो कैरी करता है। लेकिन आरसीसी में कुछ उसे अलग तरह से आपको डिनोट बोला कि भाई कॉलम आप कब बोलेंगे। कोई भी कंप्रेसिव जो मेंबर है, हर कंप्रेसिव मेंबर्स को आप कॉलम नहीं कह सकते। इसलिए कहा कि उसको आप जो है कंप्रेसिव मेंबर्स को कॉलम कब कहेंगे। तो इसलिए कहा कि इफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर, मतलब कोई भी जो कंप्रेशन मेंबर है उसकी इफेक्टिव लेंथ, अभी बताऊंगा इफेक्टिव लेंथ क्या होती है। इफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर आर एक्सीड थ्री टाइम्स, आपके लिए जो काम की बात है वो ये है, कितने टाइम्स आर थ्री टाइम्स ऑफ इट्स लीस्ट लैटरल डायमेंशन इज नॉन कॉलम। अगर हिंदी बात करें तो वो कहता है कि ऐसा कोई भी कंप्रेशन मेंबर जिसकी इफेक्टिव लेंथ इसका लीस्ट लेटरल डायमेंशन का कितने से, तीन गुणा से, थ्री टाइम, तीन गुणा से ज्यादा बढ़ जाती हो, क्या कहलाता है आपका, कॉलम कहलाएगा। तो वो जो कंप्रेशन मेंबर है वो कॉलम्स आपका कहलाता है। सबसे पहले मैंने एक वर्ड में और देखा यहां पर लीस्ट लैटरल डायमेंशन। लीस्ट लैटरल डायमेंशन का मतलब क्या है कि जो कॉलम है उसकी जो क्रॉस सेक्शन डायमेंशन है उनमें से लीस्ट छोटी कौन सी है। अब जैसे मैंने कहा सर्कुलर है, मुझे पता है सर्कुलर का क्या होता है, डाया होता है। मैं कहता 500 mm डाया का कॉलम है आपका, तो मुझे पता है लीस्ट लेटरल डाय, एक तरह से जो क्रॉस सेक्शन डायमेंशन में से छोटी होगी। तो आपने देखा सर्कुलर का तो डाया होगा, स्क्वायर का भुजा होगा, लेकिन रेक्टेंगल की जब मैं बात करता हूं मैं कहता हूं 200x300 का कॉलम है या 200x400 का कॉलम है, तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन कौन सी, जो उसकी छोटी डायमेंशन, मैंने कहा 200x400, तो कौन सी वाली डायमेंशन, 200 वाली जो डायमेंशन है वो उसकी लीस्ट डायमेंशन होगी। तो वो कहता है कि कोई भी एक ऐसा मेंबर जिसकी इफेक्टिव लेंथ कौन सी, ये वाली, एक तरह से अगर मैं बात करूं तो जो बकलिंग लेंथ है आपकी, कौन सी लेंथ है आपकी, जब मैं कॉलम के ऊपर कंप्रेशन लोड लगा रहा हूं तो ये जो बकलिंग लेंथ है आपकी, ये जो लेंथ है आपकी क्या कहलाती है आपका, इफेक्टिव लेंथ आपकी कहलाती है। तो मैंने ये देखा कि बकलिंग, जैसे मैंने बेसिकली 6-7 केस से आगे सबके बारे में पढ़ा हुआ, यहां तो केवल इन्हीं के लिए मैंने आपको बता दिया कि दोनों एंड फिक्स है आपके कॉलम के, बोथ एंड फिक्स है। जब मैं इसके ऊपर कंप्रेशन लोड लगा रहा होगा या मैं इस मेंबर को कंप्रेस कर रहा हूं तो मैंने देखा कि सपोर्ट पर ये फिक्स होने के कारण यहां से बकलिंग नहीं कर पाता, ऊपर से बीच का कुछ पोर्शन आपका बकलिंग होता है। ये जो लेंथ है इसकी क्या कहलाएगी आपकी, इफेक्टिव लेंथ आपकी कहलाते। अगला जिसे आप मैं देख रहा हूं, ये दोनों एंड फिक्स थे, अगला केस देखा वन एंड फिक्स अदर एंड हिंज, तो मुझे पता है फिक्स की तरफ से तो आपका बकलिंग होगी नहीं, तो कुछ दूर से आपका होगा और ये आपका यहां तक हिंज तक आप हिंज बकलिंग तो हो जाएगा क्योंकि वो आपका मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। तो ये जो लेंथ है इफेक्टिव लेंथ आपकी कहलाएगी। अगला केस जैसे दोनों एंड हिंज है, वो कह रहा दोनों ही एंड हिंज है तो इफेक्टिव लेंथ, और ये जो लेंथ होती है जो जो आपका सपोर्ट टू सपोर्ट की जो टोटल लेंथ होती है वो एन होती है। यहां ये एन हो गई, यहां पर ये एन हो गई, यहां पर पता है एक तरह से सपोर्ट टू सपोर्ट जो टोटल लेंथ है, अनसपोर्टेड लेंथ इसको बोलते हैं या टोटल लेंथ आपका बोलेंगे, और इफेक्ट जितना पोर्शन उस कॉलम का बकलिंग कर रहा है। यहां मैंने देखा कि यहां जब मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूं तो यहाँ एल इफेक्टिव बराबर 4.65 एल लेता है, मतलब अगर मैं कहता हूं 10 मीटर है तो ये इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो लगभग 6.5 मीटर निकल जाएगी। जैसे यहां मैं देखूंगा 0.80 एल लेता है, आगे पढ़ूंगा मैं यहाँ ये 1 एल लेता है, यहाँ ये 2 एल्स आपका लेकर चलता है। मैं यहां देखता हूं चौथे केस में, ये कहता है चौथे केस में जब आप देखोगे ना आपका यहां से जब आप कंप्रेशन लोड लगा रहे हो तो ये ऐसे बकली करेगा, साथ के साथ इतना ही पोर्शन इसका नीचे भी प्रभावित होता है आपका। इसलिए आपने देखा होगा कि इफेक्टिव लेंथ जो है इसकी कितनी आती है, 2L आती है, क्योंकि आपके कई बार दिमाग में आता होगा यार ये 2L कैसे हो गया, तो
डेफिनेटली आप अगर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट लैगरल इसका देखोगे, या तो मैं देखूंगा जितना लेंथ ऊपर है उतना ही नीचे जाकर आपका जो है आपका मोमेंट साइन चेंज करता है, या इतनी ही पोर्शन नीचे का आपका प्रभावित हो जाता है। इसलिए इस केस में जब अपन पढ़ते हैं एस एम में भी अपन पढ़ते हैं एल इफेक्टिव बराबर टू एल अपन लेकर चलते हैं। तो अब आपने देखा, मैं अगर आपसे कहता कि कोई एक कॉलम है, मान लो मैं उसका कहता कि भाई ये एक कॉलम है, मैंने कहा कि 200 बाई 400 का कॉलम है, तो सॉरी 200 बाई 400 का कोई कंप्रेशन मेंबर है। अब मैं कहता है कॉलम कब कहलाएगा, तो 3 गुणा लीस्ट लेटरल डायमेंशन, 3 गुणा 200 600। ये कहता है कि अगर जो इफेक्टिव होने वाली जो लेंथ है वो 3 टाइम्स इनटू लीस्ट लेटरल डायमेंशन से अगर ज्यादा होगी तो ये कॉलम कहलाएगा, और अगर ज्यादा नहीं होती है तो फिर वो पेडेस्टल आपका कहलाता है। तो क्लियर आपको हो जाना चाहिए कि व्हाट इज द कॉलम और व्हाट इज द पेडेस्टल। हालांकि आपको यहां पेडेस्टल क्या है, अब इसने कहा कि यदि किसी मेंबर कंप्रेशन मेंबर की इफेक्टिव लेंथ 3 गुणा लीस्ट लैटरल डायमेंशन से ज्यादा बढ़ जाती हो कॉलम कहलाएगा, ज्यादा नहीं बढ़ती हो तो वो पेडेस्टल आपका कहलाता है। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन बढ़ेगा कि कंप्रेशन मेंबर इज सेड टू बी कॉलम व्हेन इट्स इफेक्टिव लेंथ, क्योंकि क्या होता है, अब यहां मैंने इंग्लिश लिख दिया आधे शुद्ध, हाँ इंग्लिश लिखी, अरे भाई आपको यहां केवल ये वर्ड काम का है आपका, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है आपका। वो कहेगा इफ ए कॉलम इफ ए कंप्रेशन मेंबर इज सेड टू बी ए कॉलम व्हेन द इफेक्टिव लेंथ आर एक्सीड, सब पूरा क्वेश्चन है आपको। तो क्या ध्यान रखना है, ऑप्शन ए होगा 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, ऑप्शन बी होगा 3 टाइम्स, ऑप्शन सी होगा 4 टाइम्स, ऑप्शन डी होगा 5 टाइम्स। आपको कितना रहना है कि भाई उसकी 3 टाइम से ज्यादा बढ़ जाती है। अभी आगे कहता है आपको कि इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स रिलेटेड टू कॉलम, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कॉलम, ये सब जो है आपको आईएस 456 2000 में दे रखे हैं इन सब के बारे में, और एग्जाम्स में भी बहुत सारे पॉइंट्स आपसे या बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे वो पुटअप करता रहता है। जैसे पहला पॉइंट वो कहता है मिनिमम डाय ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, लॉन्गिट्यूडनल कौन से, जो कॉलम में खड़े बार होंगे, लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल वर्ड बोल सकता है वर्टिकल वर्ड बोल सकता है। इफ द मिनिमम डाय ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार शुड नॉट लेस देन 12 mm, ये कह रहा है कि जो कॉलम है उसमें जो लॉन्गिट्यूडनल बार है जो खड़े वाले सरिये हैं उनका डाया जो है 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, मतलब कम से कम 12 mm का सरिया आपको लगाना ही लगाना है आगे। लेकिन उसने आईएस 456 में ही एक नॉट डाला हुआ है, क्या है, If size of column are less than 200 mm, वो कहता है यदि कोई कॉलम जो है उसका साइज 200 mm से क्या हो, कम हो, then maximum dia of longitudinal bar should not exceed 12 mm। ये कह रहा है यदि कोई कॉलम का साइज 200 mm से कम है तो फिर उस कंडीशन में सबसे जो बड़ा सरिया है या मैक्सिमम डाया ऑफ बार जो है वो 12 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिनिमम लॉन्गिट्यूड डाया ऑफ कॉलम शुड नॉट लेस देन, सिंपल बोले भाई कम से कम कितना डाया आप यूज करोगे 12। वो कहते हैं द साइज ऑफ कॉलम आर लेस देन 200 mm देन मैक्सिमम डाया ऑफ बार शुड नॉट एक्सीड, आंसर तो अगेन भी आपका क्या होगा 12 mm ही होगा। तो मैंने देख लिया कि भाई आपका लॉन्गिट्यूडनल जो सरिया है उसका डाया और किस तरह से लेने वाले। फिर आगे कहा इसने फॉर लेटरल टाइज कॉलम, देखो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा लेटरल टाइज कॉलम, दो तरह के कॉलम होंगे लेटरल टाइज कॉलम और हेलिकल टाइज कॉलम। आपने ज्यादातर जो कॉलम सभी देखे होंगे वो लेटरल टाइज कॉलम देखे होंगे, मतलब इस तरह के कॉलम है सिंपल, जो ये रिंग्स आपने देखा होगा ना कॉलम्स में, ये जो रिंग बनी होती है आपका रिंग स्टिरअप जो बनी होती है, इस तरह का कॉलम कहलाता है लेटरल टाइज कॉलम, लेटरल टाइज कॉलम। और दूसरा जो कॉलम है आपने बहुत कम देखे होंगे शायद, इस तरह का कोई कॉलम है और उसमें एक ही सरिये को इस तरह से बांध रखा है आपको घुमा के, ये कहलाता है हेलिकल टाइज कॉलम, कौन सा कहलाता है आपका हेलिकल टाइज कॉलम, हेलिकल टाइज कॉलम।
तो इसने कहा फॉर लैटरल टाइप कॉलम, मतलब इस तरह का कॉलम है आपका जिसमें रिंग्स आपका पहली रिंग दूसरी रिंग कुछ एक निश्चित स्पेसिंग बनी हुई है, फॉर लैटरल टाइप कॉलम रेक्टेंगल एंड स्क्वायर इन शेप वगैरह, लैटरल टाइप कॉलम है और कॉलम की शेप कैसी है रेक्टेंगल या स्क्वायर, मतलब रेक्टेंगल शेप का है या स्क्वायर शेप, द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार नॉट लेस देन फोर, वो कह रहा है यदि आपका लैटरल टाइप कॉलम है तो नंबर जो बार है जो वर्टिकल सरिये है जो लॉन्गिट्यूडनल बार है वो स्क्वायर रेक्टेंगल में कितने से कम नहीं होने चाहिए, चार से कम नहीं होने चाहिए। आगे कहा है इसने फॉर लैटरल टाइप कॉलम, वो कह रहा है लैटरल टाइप ही कॉलम है सर्कुलर इन शेप, यहां मैंने देखा था रेक्टेंगल और स्क्वायर, यहां मैं कह रहा हूं सर्कुलर शेप का है, कैसे शेप है आपका सर्कुलर इन शेप, द मिनिमम नंबर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार शुड नॉट लेस देन सिक्स, तो ये कह रहा है जो खड़े सरिये है वो छह से कम नहीं होने चाहिए। तो आपने देखा कि लैटरल टाइप कॉलम में स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए मेरे चार से कम नहीं होना चाहिए, सर्कुलर शेप के कॉलम में मेरे कितने से कम नहीं होना चाहिए, छह से कम नहीं होने चाहिए। आगे कहता है फॉर हेलिकल टाइप कॉलम, मतलब ये वाला हेलिकल टाइप कॉलम, मतलब इस तरह की रिंग जो है आपका एक ही उसको बांध रखा है, फॉर हेलिकल टाइप कॉलम मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार शुड नॉट लेस देन सिक्स, वो कह रहा है अगर हेलिकल टाइप कॉलम है तो आप कोई शेप का फर्क नहीं है, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो चाहे सर्कुलर हो, अगर हेलिकल टाइप कॉलम है तो मिनिमम नंबर ऑफ बार जो है वो कितने से कम नहीं होने चाहिए, छह से कम नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट बात करता है मिनिमम नॉमिनल कवरिंग कॉलम, ये कह रहा है कि कॉलम में मिनिमम नॉमिनल कवर, कवर तो आपने पढ़ ही लिए थे कि मिनिमम नॉमिनल कवर कॉलम में कितना होगा, तो ये कहता है 40 mm, ये कह रहा है 40 mm और लार्जर डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, मतलब अगर ये अनइक्वल सरिये लगे हुए हैं तो सबसे बड़ा, मान लो मैं कहता हूं 16, 20 और 25 का लगा हुआ है तो कौन से सिंक कर कंपेयर करोगे 40 को 25 से कंपेयर करोगे, और अगर मान लो इक्वल होते मान लो सारे 20 के लग रहे तो 40 को किससे कंपेयर करते आप, ऑटोमेटिकली लार्जर 20 ही आपका हो जाता, तो कहना 40 mm और लार्जर डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार विच एवर इज लेसर, जो भी दोनों में से क्या आने वाला है, सॉरी विच एवर इज ग्रेटर, क्योंकि आपको ये पता है कि जब भी मैं मिनिमम की बात करता हूं और एक से ज्यादा चीजों को कंपेयर करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है विच एवर इज ग्रेटर आपका आएगा, है ना, तो विच एवर इज, क्योंकि वो कहता है भाई इससे भी कम नहीं होना चाहिए इससे भी कम नहीं होना चाहिए, तो वो वैल्यू ऐसी तो होगी कि दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी वही आपकी वैल्यू हो जाएगी। आगे कहता है नॉट डालिए फिर, क्योंकि सारे क्लोज आपके आईएस 456 के, इसने कहा एक साइड ऑफ कॉलम अप टू 200 mm, जैसे मैंने वहां देखा था ना बार के केस में, ये कह रहा है यदि कॉलम का साइज 200 mm से कम है देन मिनिमम नॉमिनल कवर में बी टेकन 25 mm, तो कोड कहता है कि यदि कॉलम का साइज 200 mm से कम है तो मिनिमम नॉमिनल कवर आप 25 mm ले सकते हैं, मतलब आप 40 mm नहीं लेंगे। आगे कहता है मिनिमम एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार इन ए कॉलम, ये कह रहा है कोई भी जो कॉलम है कोई भी जो आपका कॉलम है उसमें मिनिमम जो है स्टील जो वर्टिकल रिइंफोर्समेंट है वो कितना आपका होना चाहिए, तो ये आपसे कहता है मिनिमम एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार इन ए कॉलम, तो कह रहा है 0.8% ऑफ द कॉलम एरिया, ये कह रहा है कि कॉलम एरिया का कितना 0.8% हो गया, तो मैं जब यहां 0.8% ऑफ कॉलम एरिया तो 0.8/100 किया एरिया ऑफ कॉलम, तो ये 0.008 एरिया ऑफ कॉलम निकलकर आ गया, तो 0.8% ऑफ कॉलम एरिया ऐसे दिख सकता है, 0.008 एरिया ऑफ कॉलम आपको दिख सकता है। फिर इन्होंने फिर कहा कि इनकी नॉट डालने की, क्योंकि सब कोड ने बोला हुआ इन केस ऑफ पेडेस्टल, मैंने पेडेस्टल पढ़ा था ना, इफेक्टिव लेंथ 3 से ज्यादा है तो कॉलम, 3 से कम है तो पेडेस्टल, इन केस ऑफ पेडेस्टल आपका पेडेस्टल है तो मिनिमम एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार शुड नॉट लेस देन 0.15% ऑफ द पेडेस्टल एरिया, मतलब कॉलम में जो मिनिमम एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट है वो 0.8% होगा, पेडेस्टल में मिनिमम एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट 0.15% ऑफ द पेडेस्टल एरिया के बराबर लिया जाता है। आगे कहा मैक्सिमम एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट इन कॉलम, कि भाई आप मुझे बताएं ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते हैं, तो ये कहता है 6% ऑफ द
कॉलम एरिया, जो कॉलम एरिया है उसका 6% अपन लेके चलेंगे। तो अपन देखा एरिया ऑफ कॉलम, अगर मैं देख रहा हूं तो 6/100 एरिया ऑफ कॉलम 0.06 आपका निकल कर आ जाएगा आपका। तो कई बार ये रेंज पूछ लेता है कि मुझे बताइए कि आप कितना सरिया लगाते हैं, तो 0.826%, मतलब आपने एक देखा था अभी 0.8 से 6% लगाते हैं अपन, मिनिमम 0.8%, मैक्सिमम 6%। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कॉलम में रेंज बताइए रिइंफोर्समेंट की, तो आपका राइट आंसर होगा 0.826%। फिर अगेन फिर कोड ने आपको फिर इकलाह किया है, फिर उन्होंने बोला कि इन केस ऑफ लैप्ड कॉलम, मतलब कोई कॉलम ऐसा है जिसमें ओवरलैपिंग्स हो रही है, मतलब सरिये एक दूसरे से ऐसे आपके, क्योंकि जब सरिया आपका खत्म हो जाता है दूसरे सरिये लगाना होता ना, लैपिंग है आपका। तो लैप, अब मैंने देखा कि जब मैं ये देखता हूँ जैसे ये वर्टिकल सरिया लगा हुआ था, एक तरह से ये जगह होता है, जैसे लैपिंग करेंगे तो अपन देखा कि ऐसे लैपिंग करनी पड़ती है, तो इनका एरिया जो इनका प्रोसेसिंग एरिया वहां पर उसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है आपका, एक तरह ज्यादा एरिया को जो है कवर्ड करते हैं वो। तो कहता है इन केस ऑफ लैप्ड कॉलम मैक्सिमम एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट शुड नॉट एक्सीड 4% ऑफ द कॉलम एरिया। वो कह रहा है कि अगर लैप्ड कॉलम है तो मैक्सिमम एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट जो है वो 6 नहीं, वो कह रहा है 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल बार, ये कह रहा है कि मैक्सिमम स्पेसिंग बताइए किनके बीच में, बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल बार मेजर्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द कॉलम, मतलब आपको अगर मैं जैसे कॉलम का कोई एक सेम प्रोसेक्शन बनाऊं, मैं देखा ये कोई रेक्टेंगल कॉलम है, ये कुछ इसमें सरिये लगे हुए मान लो, तो ये कहता है कि इनके बीच की मैक्सिमम स्पेसिंग बताइए, इनके बीच की जो मैक्सिमम स्पेसिंग है आपका, मैक्सिमम स्पेसिंग, ये कह रहा है मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल बार, जो ये खड़े सरिये होंगे, क्योंकि आप प्लान में देखे तो ऊपर से ये दिख रहा है ना आपको, तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल बार, और कैसे मेजर्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द कॉलम, पेरिफेरी क्या होती है, परिधि, पेरिफेरी क्या होती है आपकी, परिधि, मेजर अलोंग द पेरिफेरी ऑफ कॉलम, मतलब कॉलम की परिधि के साथ, अलोंग द पेरिफेरी कॉलम की परिधि के साथ में मेजर कर रहा हूं, मेजर पेरिफेरी ऑफ द कॉलम शुड नॉट एक्सीड 300 mm, मतलब ये कहना चाहता है कि जो वर्टिकल जो सरिये है उनके बीच की मैक्सिमम स्पेसिंग 300 से ज्यादा किसी भी कंडीशंस में नहीं होनी चाहिए। ये 8-9 पॉइंट्स थे जिनको कॉलम डिजाइन करने से पहले मुझे याद रखना चाहिए था। ये सब चीजें आपको जो है यहाँ पर आपने समझ लिया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इन वीडियो लेक्चर्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि मेरी जो बुक है बेसिक्स ऑफ सिविल वो आप खरीद लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास जब आप ले रहे हैं तो 100% चीजें पढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि टाइम लिमिटेशंस होती है, वीडियो लेक्चर्स अपलोड नहीं हो पाते हैं, इसलिए कुछ चीजें जो छूट जाती हैं उन्हें आप बुक से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।